हो जाने के बाद हर्षित भरत ने कुल गुरु को ये समाचार सुनाया कि श्री राम नगर में पहुंचने वाले हैं। राजमहल से ये संदेश तत्काल पूरी नगरी में फैल गया। चारों ओर कौशलपति की अगवानी की तैयारियां होने लगी। दूध दही आदि मांगलिक वस्तुएं थाल में सजाकर नारियां श्री राम सीता और लक्ष्मण की आरती को निकल पड़ी। कुलगुरु वशिष्ठ भाई शत्रुघ्न अन्य कुटुंबियों तथा ब्राह्मणों को साथ लेकर भरत जी श्री राम की अगवानी के लिए निकल पड़ते हैं। सबकी आंखें आकाश की ओर लगी हैं, जहां किसी भी क्षण पुष्पक दिखाई देगा। उधर पुष्पक में बैठे श्री राम अपने सहयोगियों को पवित्र नगरी अयोध्या की महिमा सुना रहे हैं। वो अयोध्या जो उनकी जन्मभूमि है, जो उन्हें वैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। इस सुंदर नगरी के उत्तर में सरयू की पवित्र धारा बहती है, जिसके निर्मल जल में स्नान करने मात्र से प्राणी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रभु का संकेत पाकर पुष्पक विमान अयोध्या नगरी के समीप उतर गया। लंका से अयोध्या तक की यात्रा पूरी हो गई। श्री राम ने जब विमान को अपने स्वामी कुबेर के पास लौट जाने को कहा, तो एक बार उस जड़ पदार्थ को भी विषाद की अनुभूति होती है। अपने स्वामी के पास लौट जाने का हर्ष भी श्री राम से बिछुड़ने की उदासी को नहीं छिपा सका।